हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किड्स आर्ट वीडियो को आप बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग जो है कर सकते हो। अगर आपको आर्ट्स का ए भी बनाना नहीं आता है तब भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ, आप अपने मोबाइल फ़ोन से जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो उस मोबाइल फ़ोन से वीडियोस क्रिएट करके, और इतने आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप छोटा सा बच्चा भी कोई होगा तो भाई वो भी आर्ट्स बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है। ठीक है, तो सब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाला हूँ और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और थंबनेल मैं आपको बना कर देने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत के मत देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा क्योंकि अभी यहाँ पर जो है डीजे बज रहा है, साउंड आज कुछ प्रोग्राम है। ठीक है, इसका थोड़ा इग्नोर कर देना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो भाई हम आ चुके अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो यहाँ से वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूँ कि भाई जो आइडिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें लोग वीडियो कैसे क्रिएट करते हैं और आप कैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वीडियो को। देखो मैंने यहाँ पर अपना यूट्यूब ऐप को जो है ओपन कर लिया है। इस चैनल को देखो, आप देखो इसका नाम लर्न यानी आर्ट एंड लर्न, ठीक है, इसका चैनल है। सब्सक्राइबर की बात करें तो भाई 560,000 सब्सक्राइबर है और 441 वीडियो इसने अपलोड की हुई है। ठीक है, अब देखते रहो, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखिए ये बंदा क्या करता है, ये जो आर्ट होता ना, मतलब छोटे बच्चों के लिए जैसे मान लो ट्रक हो गया, फ्लावर हो गया, कैट हो गया, मतलब कार्टून जैसे थोड़ा टाइप का जो आर्ट्स बनाता है। देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप व्यूज़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा डिमांड है। यहाँ पे देखो 16 घंटे पहले 6.3K, ठीक है, उसके बाद देखो एक दिन पहले 35,000, 18,000, 60,000, 26,000, 26,000, 18,000, 17,000, 23,000, मतलब देख रहे हो सारा वीडियो काफ़ी अच्छा यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है। और जितना भी यहाँ पे व्यूज़ आ रहा है वो बाहर कंट्री से आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आ रहा है। देखो ये चैनल US कंट्री का है, मतलब समझ रहे हो भाई कितना तगड़ा यहाँ पे इसका RPM होगा। और इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये है कि भाई कोई वॉइस नहीं, कोई फेस नहीं। ठीक है, और आप भी ऐसे वीडियोस क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग कर पाओगे। मैं आपको समझाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, बस देखते रहो वीडियो को ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसके एक वीडियो प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ, पर एक मिनट वॉल्यूम कम कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक वीडियो मैंने प्ले किया, अब आप देख सकते हो ये बंदा वीडियो कैसे क्रिएट करता है। अब ये देखो यहाँ पे ऐड आ चुका है, तो ऐड को हम स्किप करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो ऐड स्किप हो चुका, देखो एक और ऐड आ गया, मतलब देख रहे हो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी का ऐड आ रहा है। ठीक है, अब देख तो स्किप किया मैंने, अब ये देखो बंदा करता क्या है, ये देखो ये क्या करता है, जो सिंपल आर्ट्स वीडियोस होती है उसको यहाँ पे ड्राइंग कर देता है और ऊपर से एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता है। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको आर्ट भी नहीं आती है, ठीक, अगर आप आर्ट बना नहीं पाते हो सही से, तो आप ऐसे वीडियोस क्रिएट कर पाओगे आसान तरीके से, मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक, आप समझ गए, ये बंदा क्या करता है, आर्ट बना के उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देता है, लगाने के बाद एक प्रॉपर वीडियो को जो है क्रिएट कर देता है। अब आप समझ गए, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ कि आप ऐसी वीडियोज़ कैसे क्रिएट करोगे। चलो मैं आपको सिखाता हूँ अब। तो गाइस ऐसी जो वीडियो होती है उसको क्रिएट करने के लिए आपको जो है ये वाले सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये सॉफ्टवेयर जो है आपके मोबाइल फ़ोन में चल जाएगा, जिसका नाम है बीमी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, इसका जो डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको जो दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, वहाँ पर डाउनलोड नाउ का ऑप्शन लिखा होगा, तो वहाँ पर क्लिक करके फटाफट इस एप्लीकेशन जो है इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करोगे उसके बाद जैसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना। करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, करने के बाद आप अपने मोबाइल का जो डाटा होता है उसको बंद कर देना या वाईफाई बंद कर देना ताकि ऐड ना आए। ठीक है, अब देखो करने के बाद आपके सामने देखो यहाँ पे जो एनिमल्स आ रहा है। ठीक है, मतलब 3-4 ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, नेचर, ठीक है, मतलब 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको जो एक ऑप्शन चुन लेना है। देखो मैंने नेचर वाला चुन लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो इंसेक्ट हो गए, तितली हो गए, कीड़े मकौड़े हो गए, ठीक है, वो सब उनकी जो है मतलब आ चुकी है आर्ट। ठीक है, अब आपको जैसे देखो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके वाले जो आर्ट है, ठीक है, इसको हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे इंटरफेस के अंदर आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो एक जो है आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि कैसे करना है। देखो जैसे यहाँ पे मैंने को इसको ऐसे बनाया, ठीक है, क्योंकि अभी मैं अपने जो है उंगली से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो शूट कर रहा था। ठीक है, जब आप अपने करना तो आप अच्छे तरीके से करना, अच्छे तरीके से उंगली चलाना। ठीक है, जैसे देखो मैं इसको इरेज कर दिया, फिर इसको एक बार करता हूँ, कलर चूज़ कर लेता हूँ, कलर अच्छे से चूज़ करके आपको जो ऐसे क्रिएट करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने क्रिएट किया, फिर आगे का इंस्ट्रक्शन इसने दे दिया ऑटोमेटिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आया तो इस पर क्लिक करके इसको जो सर्कल कर देंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये बताएगा सेम हमको ऐसा करना है। अब देखो इतना हुआ, अब ये आगे का फिर बताएगा, अब देखो फिर आगे का इसने बताया। ठीक है, तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, पूरा जो है एक वीडियो होता है उसको हम क्रिएट कर लेंगे।
अब देखो कलर चेंज कर मैंने इसको क्रिएट कर लिया, अब इस पर एनिमेशन ऑटोमेटिक लग गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर इसने आगे का इंट्रक्शन ऑटोमेटिक फिर से दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर पूरा जो सर्कल से जो है जैसे जैसे इसने बताया वो उस पर हम उंगली चला देंगे तो ये ऑटोमेटिक कलर फिल हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे फिर इसने हो चुका, ठीक है, तो हम फिर इसके ऊपर उंगली चलाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपको बताता रहेगा। बताने के बाद देखो ये इतना हमारा बन चुका है। अब इसके ऊपर जो ऑटोमेटिक जो एनिमेशन है वो लग जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ऐड आ चुका है, ठीक है, क्योंकि भाई मैंने जो ओपन किया तो मेरा नेट चालू था, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक एनिमेशन जो लग चुका है, ठीक है। तो सिंपल आपको जो ऐसा जो है करके पूरा जो है यानी वीडियोज़ को क्रिएट कर लेना है, मतलब एनिमेशन बना लेना है, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे एनिमेशन चलने लगा। अब चलने के बाद आपको करना पड़ेगा एडिटिंग। चलो बताता हूँ एडिटिंग कैसे करते हैं। और एक बात और, जब आप इसको बनाओ तो अपने फ़ोन का जो स्क्रीन रिकॉर्डर उसको चालू कर लेना, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाओगे आगे। तो गाइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी उस सॉफ्टवेयर के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद आपको जो एडिटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एडिटिंग के लिए आप पावर डायरेक्टर या काइंड मास्टर कोई सा भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काइंड मास्टर ऐप को जो ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको मीडिया पे क्लिक करना फटाफट और बैकग्राउंड पे जाकर एक वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको ले आना है, वाइट कलर का। क्यों? क्योंकि जो आर्ट होता है ना वाइट कलर में अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद जितने बड़ी आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है, तो उतना बड़ा आपको बैकग्राउंड कर देना है, ठीक है। मैं एग्जांपल मैं आपको छोटा बता रहा हूँ, आप बड़ा करना, ठीक है। चलो मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा, ठीक है, अप्रॉक्स एक मिनट कर लेता हूँ, एक मिनट, हाँ ये देखो एक मिनट तक हो चुका है लगभग, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा इसको कर लिया। अब करने का हम क्या करेंगे, जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई थी, ठीक है, ड्राइंग की, तो हम यहाँ पे ले आएंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे और फटाफट जो हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी हमने करके आए हैं तो वो यहाँ पे ले आएंगे। अब देखो ये हमारे सामने ये आ चुका है, अब ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब आगे पाछे देखो यहाँ पे जो बॉर्डर आ रहा है ब्लैक कलर का बॉर्डर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या इसको जूम करेंगे, इतना जूम हो चुका, ठीक है, इतना जूम हो चुका। अब कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एक्चुअल ड्राइंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है मैं दिखाता हूँ, देखो, हाँ देखो ड्राइंग शायद मेरे ख्याल से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये यहाँ से। तो बाकी के पार्ट हम कट करेंगे, ये कट करने में हम इसको शुरुआत में ले आएंगे, ठीक है। ये देखो इसको हम शुरुआत में ले आएंगे, बिल्कुल आपको जो है जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं तो आपका जो दिक्कत हो सकती है आपके चैनल पर व्यूज सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। तो जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वैसे करना। देखो इतना करने के बाद आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे एक ऐड आ रहा है, तो ऐड कैसे मतलब करोगे, ठीक है। उससे पहले यहाँ पर देखो जो इसके अंदर जो मतलब जो आपने रिकॉर्डिंग की हुई थी इसके ऊपर एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाओगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पर जो लेयर पर क्लिक करेंगे, जो हमारे वीडियो है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो साउंड को जो इसको बिल्कुल बंद कर देंगे, साउंड बंद हो चुका है, ठीक है। इतना करने में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमारा जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है, देखो यहाँ से हमारा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एक ऐड आ रहा है, तो ऐड छुपाएंगे। ऐड छुपाने के लिए हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे जाएंगे, बैकग्राउंड जाएंगे, वाइट कलर का बैकग्राउंड ले आएंगे, इसको बड़ा कर देंगे, बड़ा हो चुका है। उसको हम इसको नीचे ले आएंगे, जहाँ से ऐड खत्म, देखो यहाँ से इतना, ये देखो इसको हम इतना लगा दिए। अब देखो आपको लग रहा है कि भाई कुछ ऐड नहीं है, ठीक है, सिंपल आपको ऐसे ही करना है। अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड को पूरा एंड तक ले आएंगे, जहाँ तक ऐड आता है पूरा, ठीक है। जितनी बड़ी हमारी वीडियो बनी उसको हम पूरा एंड तक कर देंगे, मतलब कहीं पे कोई वाटरमार्क या कोई ऐड नहीं आना चाहिए, ठीक है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ऐसा करके आपको करना है। देखो इतना हमने कर दिया, अभी देखो इतना हमने करने का बाकी का जो पार्ट है इसको हम कट कर देंगे, इतना हमने कट कर दिया, ठीक है। मैं आपको छोटी वीडियो बनाकर समझा रहा हूँ, आप जब वीडियो बनाना तो भाई वीडियो को बड़ी बनाना, समझ रहे हो बात को। देखो इतना करने के बाद देखो आपका जो वीडियो लगभग रेडी हो चुका है, 90% आपका वीडियो रेडी हो चुका है। अब उसके बाद आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देना फटाफट, ठीक है। मैं फटाफट ले लेता हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक स्नैपट्यूब में जाके, ये देखो किड्स वाला म्यूजिक मेरे पास है तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ म्यूजिक मेरा लग चुका है और हमारा जो वीडियो है वो लगभग रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको देखो एक बात और, यहाँ पे अगर ना वाटरमार्क देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे लोग ऐसा चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर अपना वाटरमार्क देना चाहो तो दे सकते हो, वैसे कोई बात नहीं ना, आपकी मर्जी है, ठीक है। देखो आपका वीडियो लगभग रेडी हो चुका है, अब क्या करोगे आप, वीडियो को जो एक्सपोर्ट कर देना, वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको चाहिए टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ उस कैसे क्रिएट करोगे, चलो बताता हूँ आपको। तो गाइस आपने जो इतना कर लिया, ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा थंबनेल, ठीक है। तो देखो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको टेलीग्राम पे आना है मेरे, ठीक है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आने आपको मेरा जो चैनल है इसका लिंक में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, तो यहाँ पे इस पे थ्री डॉट पे क्लिक कर सर्च पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सर्च करना है किड्स आर्ट्स
ठीक है, किड्स आर्ट आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है, सर्च कर देना, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, लेकिन जब आप ये वीडियो देखने के बाद सर्च करोगे तो यहाँ तक जो है आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि तब तक मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आपको सर्च करना है किड्स आर्ट, स्पेलिंग वगैरह देख लो, सर्च करोगे तो आपके सामने टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब आपके सामने आ जाएगा, तो कॉपी करके अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर लेना, ठीक। तो गाइस आपने जो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन को लगा लिया, ठीक है, अब बात आती है थंबनेल की। तो थंबनेल के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इमेज सर्च मैन पे जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है किड्स आर्ट वीडियोस, ठीक है, इसको सर्च करना। तो यहाँ पे देखो आपके सामने काफ़ी सारे थंबनेल मिल जाएंगे, तो आपको थंबनेल लेने के लिए आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, इतना ढूंढ सकते हो आप। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आर्ट सी वाला थंबनेल आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे थंबनेल नहीं लेना है, मैं बता दूँ कैसे थंबनेल लेना है। देखो जैसे ये थंबनेल देखो आप, अभी देखो यहाँ पे थंबनेल आने स्टार्ट हो जाएंगे, देखो देखो जैसे ये थंबनेल आ चुका है, ठीक है, ये देखो, ये देखो ये थंबनेल आ चुका है, ठीक है, ये देखो ये थंबनेल, ठीक है। मतलब देख रहे हो काफ़ी सारे थंबनेल आपके सामने यहाँ पे आने लगे। और एक बात और देखो, यहाँ पे जितना भी थंबनेल आपके सामने यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे किसी पर भी कॉपीराइट क्लेम या कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो थंबनेल है किसी का ओरिजिनल थंबनेल नहीं ना, ठीक है, किसी ने यहाँ पर जो बनाया, डिज़ाइन किया तो उसका नहीं है, ठीक है, ये आर्ट है, ठीक है। आर्ट कोई भी बना सकता है, कॉपी भी कर सकता है आर्ट, ठीक है। तो आर्ट में कुछ नहीं होता है, आर्ट में जो है आप बेझिझक यूज़ कर सकते हो, और इमेज सर्च मैन के अंदर जो भी फोटो आपको देखने को मिलेगी वो हर जो क्रिएटिव कॉमर्स होती है, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो चिंता मत करना, अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना, पूछ लेना, वहाँ पे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, कोई भी सवाल हो, ठीक है। देखो यहाँ पे कभी तो थंबनेल मिलते रहेंगे आपको, यहाँ पे कभी तो थंबनेल जो है आप कॉपी करके लगा सकते हो। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।